हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इट इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग फंडामेंटल टॉपिक्स इन अ जावास्क्रिप्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कंपैरिजन ऑपरेटर इन अ जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ कंपैरिजन ऑपरेटर, किस टाइप से वर्किंग होती है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं, किस टाइप की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर देयर? सो देयर आर इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल डबल इक्वल ऑपरेटर। हर एक ऑपरेटर की यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट वे में यहाँ पर वर्किंग होती है। किस टाइप की यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में? कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम कहाँ करते हैं मेनली, जो इसका यूज है, हम जैसे कि हमें कंडीशन अप्लाई करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं, ठीक, या वाइल में कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमारे प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, जब हम इफ एल्स कंडीशंस के साथ हम वर्क करते हैं, या वाइल लूप बनाते हैं उसमें कंडीशन डिक्लेयर करते हैं, या फॉर लूप बना रहे हैं, उस टाइम पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे समझना रिक्वायर्ड है। एंड हम समझते हैं हर एक कंपैरिजन ऑपरेटर की यहाँ पे वर्किंग किस टाइप से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं इक्वल इक्वल ऑपरेटर। सो अगर हम यहाँ पे इस टाइप से अगर इक्वल इक्वल ऑपरेटर यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि एक्स है, एक्स इक्वल इक्वल, एंड यहाँ पर वैल्यू यूज कर रहे हैं 8, ठीक। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है क्या 8 के? एक्स के अंदर जो करंट वैल्यू चल रही है 5, इस टाइप से तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स। ऐसे ही यहाँ पर एक्स इज इक्वल इक्वल 5, सो इस कंडीशन में यहाँ पर ट्रू रिटर्न होने वाला है। सो अगर हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, स्ट्रिंग के केस में भी यहाँ पर क्या रिटर्न होने वाला है, ट्रू। मीन्स अगर एक्स के अंदर वैल्यू चल रही है 5, एंड वी आर टेस्टिंग स्ट्रिंग वैल्यू, मीन्स स्ट्रिंग के अंदर 5 लिखा है, इस टाइप से भी यहाँ पर ट्रू रिटर्न होने वाला है। सो ऑपरेंड्स आर इक्वल, ओके, इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल। कंपेरिजन ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्स ट्रिपल इक्वल 5। सो इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप होना चाहिए। एक्स के अंदर जो वैल्यू कंटेन है इंटीजर टाइप की वैल्यू, मीन्स एक नंबर कंटेन है, और हम जो टाइप चेक कर रहे हैं वेरिएबल जिसमें 5 वैल्यू है, ओके, 5 इज अ नंबर। एंड जो सेकेंड ऑपरेंट है वो भी क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, वो भी एक नंबर होना चाहिए, मीन्स इक्वल टाइप, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर के केस में ऐसा होता है, द साइड ऑफ एन ऑपरेंट, ऑपरेंट के दोनों साइड, लाइक राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ द साइड क्या होना चाहिए, सेम टाइप प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे कि नंबर, एक्स में नंबर प्रेजेंट है, सो यहाँ इस टाइप पे भी नंबर ही होना चाहिए, उसी कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। सो यहाँ पर अगर हम इस टाइप में समझे, तो जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड्स हैव अ सेम वैल्यू एंड अ सेम टाइप, उसी कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज अ नॉट इक्वल ऑपरेटर, ओके, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ नॉट इक्वल ऑपरेटर, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखी है 5, ओके, सो यहाँ पर
नॉट इक्वल ऑपरेटर की किस टाइप से वर्किंग होती है कि जो ऑपरेटर है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 8. सो इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, मीन्स एक्स के अंदर वैल्यू कंटेन है 5 एंड जो सेकेंड ऑपरेंट है वो 8 है. सो यहाँ पर इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज अ रिटर्निंग ट्रू. सो इफ द ऑपरेंट्स आर नॉट इक्वल, अगर ऑपरेंट्स इक्वल नहीं होंगे इसी कंडीशन में ट्रू यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अगर हम नॉट इक्वल इक्वल ऑपरेटर की यहाँ पे वर्किंग समझें, सो फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन ही रीड करें, नॉट इक्वल वैल्यू और या फिर नॉट इक्वल टाइम, उसी कंडीशन पे ये ट्रू रिटर्न करेगा. इफ वी सी दिस एग्जाम्पल लाइक नॉट इक्वल वैल्यू, अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी दोनों ऑपरेंट की तभी भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. या फिर दोनों का टाइप भी इक्वल नहीं है, दोनों का टाइप भी इक्वल नहीं है इस कंडीशन में भी क्या रिटर्न कर रहा है, मीन्स वैल्यू भी इक्वल नहीं एंड टाइप भी इक्वल नहीं इस कंडीशन में भी क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू. एंड इफ टाइप इज नॉट इक्वल, मीन्स वैल्यू सेम है दोनों में एंड टाइप डिफरेंट है, वन इज अ स्ट्रिंग टाइप सेकेंड वन इज अ नंबर, सो इस कंडीशन में भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है. बट द फोर्थ कंडीशन इज दैट दोनों एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस फोर्थ एग्जाम्पल, बोथ आर अ नंबर टाइप. ओके, बोथ आर नंबर टाइप, बोथ हैज अ सेम वैल्यू, इस कंडीशन में क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ये फॉल्स. मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझ में आया होगा, नॉट इक्वल वैल्यू उस कंडीशन में भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टाइप उस कंडीशन में भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर ओनली मीन्स यह बहुत कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या फिर मीन्स एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों में से, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा. अदरवाइज अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो उस टाइप पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, सो हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे हर एक ऑपरेटर को. सो हियर नेक्स्ट वन इज अ ग्रेटर देन. ओके, सो हियर एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है 5 एंड वी आर टेस्टिंग एक्स इज अ ग्रेटर देन 8, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ लेस देन, एक्स इज अ लेस देन, सो इस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इफ वी टॉक अबाउट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की वर्किंग किस टाइप से होती है, इफ एक्स इज अ ग्रेटर देन और अदरवाइज इट इज अ इक्वल, सो इस कंडीशन में ये क्या, सो एक्स के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है 5 प्रेजेंट है. ओके, एंड यहाँ पे कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू अभी 5 प्रेजेंट है, 5 इज अ ग्रेटर देन 8, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8, दैट्स वाई इट इज अ रिटर्निंग फॉल्स. ग्रेटर देन 8 देन एट दैट टाइम इट विल रिटर्न ट्रू. या फिर एक्स की वैल्यू 8 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में भी क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू. ओके, नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, एक्स इज अ वेरिएबल, इट कंटेन्स 5. ओके, सो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है 5 चल रही है, इट इज अ लेस देन, यस इट इज अ लेस देन, दैट्स वाई इट इज अ रिटर्निंग ट्रू. ओके, सो यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक ऑपरेटर की यहाँ पे प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, लाइक इक्वल इक्वल ऑपरेटर. सो व्हाट इट रिटर्न्स इफ वी टेस्ट ऑन अ कंसोल डॉट लॉग. ओके, अगर वैल्यू है 2 ऑपरेंड्स में इक्वल होगी इसी कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. लाइक 5 इज अ इक्वल इक्वल 5, सो इफ वी टेस्ट आवर कोड, इफ वी रन, इस टाइप से यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आएगा इफ द कंडीशन इज अ ट्रू. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 ऑपरेंड इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, सेकेंड वन इज ऑफ अ नंबर टाइप. इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम कोड सेव करेंगे एंड यहाँ पर अगर टेस्ट करेंगे इस टाइप से, यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू. मीन्स वैल्यू आर अ सेम, इस कंडीशन पे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, नेक्स्ट इफ वी सी
Now next operator is a triple equal operator. If we see its working of a triple equal operator, okay. So यहाँ पर triple equal operator की अगर हम यहाँ पे working देखे, जैसे कि इस type के case में यहाँ पर क्या return हो रहा है? True. इस condition में यहाँ पे true return हो रहा है. But if we see the output of it means what it says triple equal operator. कि जो टाइप है वो दोनों का सेम होना चाहिए, टाइप ओके एंड वैल्यू शुड बी सेम, देन इट विल रिटर्न ट्रू. उसी कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. ओके, तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है. ठीक है, अगर जो वैल्यू है वैल्यू सेम होगी, टाइप सेम होगा, उसी कंडीशन पे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू. सी द वर्किंग ऑफ अ नॉट इक्वल ऑपरेटर. बोथ द साइड जो ऑपरेंट है वो डिफरेंट होंगे, देन एट दैट टाइम इट विल रिटर्न ट्रू. तभी वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. यहाँ पर अगर हम कंडीशन चेक करते हैं, लाइक इफ वी रन दिस कोड, सो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा इस टाइप से, यहाँ पर ट्रू आकर रिटर्न होगा. मीन्स बोथ द ऑपरेटर्स, मीन्स बोथ द ऑपरेंट्स आर डिफरेंट, देन इट विल रिटर्न ट्रू. ओके, सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो विजुअल स्टूडियो एडिटर है उस पे क्या है, हर एक कंपैरिजन ऑपरेटर की इस टाइप से आप कोड टेस्ट करके चेक कर सकते हैं विच इज़ अ रिटर्निंग ट्रू, विच इज़ अ रिटर्निंग फॉल्स. ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? कंपैरिजन ऑपरेटर, व्हाट इज इट्स वर्किंग. सो ओनली टू वैल्यूज आर रिटर्न, ट्रू एंड फॉल्स. सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ओनली टू वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कहाँ पर करते हैं? जब हम इफ एंड एल्स कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, या वाइल लूप क्रिएट कर रहे हैं, या फॉर लूप बना रहे हैं, उस टाइम पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर वहाँ पर यूज करते हैं. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट. तब तक के लिए लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.